अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं ठंडा ठंडा मज़ेदार चटपटा सा छाछ मसाला, या फिर मसाला छाछ इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार होता है पीने और काफ़ी ठंडा है, काफ़ी रिफ़्रेशिंग है और बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बड़ा वाला मिक्सी जार ले लेते हैं। इसमें हमने थोड़ी सी धनिया की पत्ती डाली है और यहाँ पर थोड़े से हमने पुदीना के पत्ते ले लिए हैं। काफ़ी ठंडा होता है ये पुदीना, गर्मियों में इसे ज़रूर पिए। और एक हरी मिर्च हम ले लेंगे। आधा टीस्पून हम इसमें नमक ले लेते हैं सफ़ेद वाला, आधा टीस्पून हम इसमें काला नमक ले लेते हैं और एक टीस्पून हम इसमें भुने हुए जीरे का पाउडर ले लेते हैं। एक टीस्पून हम इसमें डाल देंगे सौंफ का पाउडर, ये काफ़ी ठंडा होता है। आधा टीस्पून हम इसमें डाल देते हैं चाट मसाला पाउडर। काफ़ी चटपटा हमारा छाछ बनकर तैयार होगा। तो थोड़ा सा पानी डालकर इसको अच्छा सा हम दरदरा पीस लेंगे, ढक्कन लगा लेते हैं, इसको अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी जो छाछ की जो चटनी है या मिक्सचर मसाला जो है वो तैयार हो चुका है। तो इसमें हम 250 ग्राम दही डालेंगे। फ्रेश दही लें हमेशा ताकि छाछ जो है बहुत ही अच्छा बने। खट्टी खट्टी दही ना लें बिल्कुल भी। तो इसको ढक्कन लगाकर अच्छी तरीके से इसको हम ब्लेंड कर लेते हैं। और ये देखिए अच्छी तरीके से हमारा दही जो है अच्छे से ब्लेंड हो चुका है। और इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल देते हैं। आप जितना पतला चाहें उतना पतला छाछ बना सकते हैं इसको। तो इसमें एक गिलास के करीब लगभग हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी डालकर इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और ये सर्व करने को बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर हमने ग्लास लिए हैं और इसमें हम थोड़ी सी बूंदी डाल देंगे। बूंदी डालने से छाछ जो है पीने में बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही बूंदी जो है क्रंची लगता है। जब भी हम छाछ पीते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो बूंदी डालने के बाद हम इसमें छाछ को डाल देंगे। तो ये देखिए छाछ को हमने तीनों गिलास में डाल दिया है और अब हम इसको गार्निश करेंगे। तो चलिए यहाँ पर हमने थोड़ा सा जीरा पाउडर ले लिया, भुने हुए जीरे का पाउडर ऊपर से हम इस तरीके से डाल देते हैं। और थोड़ा सा हमने लाल मिर्च ले लिया, ऊपर से इतना डाल देंगे। आप चाहें तो काश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर हमने पुदीना के पत्ते ले लिए हैं। इस तरीके से इसको हम सजाएंगे, गार्निश करेंगे ताकि देखने में भी ये बहुत ही अच्छे लगें। तो ये देखिए तीनों ग्लास को हमने अच्छी तरीके से गार्निश कर दिया है और ये हमारा मसाला छाछ बनकर तैयार है। ठंडा ठंडा रिफ़्रेशिंग और बहुत ही डिलीशियस हमारा ये छाछ बनकर तैयार है। तो हमने इसको सर्व किया है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, ये वीडियो पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए मसाला छाछ की रेसिपी आपको कैसी लगी, ये वीडियो आपको कैसी लगी।